वायरस एचआईवी एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होने के जो बेसिक मोड है उन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे अब ये आ जाता है, क्या उन बेसिक मोड्स के अलावा भी कुछ ऐसे मोड्स हैं जिनसे एचआईवी एक से दूसरे व्यक्ति में हो सकता है? आज हम उन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे और उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हैं हमारे पास जो आपकी तरफ से आए हैं, और बेसिकली उस तरीके के क्वेश्चंस आते रहते हैं और मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं इससे मैच करते हुए, तो उन पर आज हम बात करते हैं। जिसमें कि लिखा है कि अगर कोई मास्टरबेट करता है या फिर पॉर्न मूवीज़ देखता है तो क्या इससे कोई रिलेशन है एचआईवी एड्स का? और दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि क्या अगर हम एचआईवी के बारे में या किसी गंभीर बीमारी के बारे में सोचे ज़्यादा तो क्या ये बीमारी हमें हो सकती है? दोनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या मास्टरबेशन या फिर पॉर्न अगर हम देखते हैं तो वो इसका कारण बनता है या नहीं बनता है? व्यूअर्स, इससे पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है और ये भी बताया है कि सेफ मोड कौन कौन से होते हैं। जहाँ पर इस वायरस की बात है तो सबसे पहले कम शब्दों में ये समझ लीजिए कि वायरस खुद जनरेट नहीं हो पाता अगर दो लोग ऐसे हैं जिनमें कि वायरस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो फिज़िकल कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो उनमें ये वायरस अपने आप जनरेट हो जाएगा। वायरस कहीं किसी में है, यानी कुछ लोगों में है हमारे और आपके बीच में, जिनकी वजह से ये एक दूसरे दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। एक क्वेश्चन मेरे पास रात भी कमेंट आया था कि ये वायरस कहाँ से आया, ये कैसे बना, ये किस तरीके से इंसानों में आया। अब ये बात तो बहुत डिबेट की हो गई है, साइंस की हो गई है कि ये कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे बना। आज के संदर्भ में अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये है कि अब ये बहुत सारे लोगों में है वायरस, और अब जब लोग बिना जाने पहचाने एक दूसरे से मिलते हैं तो ये वायरस एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट अब ये है कि अब हम ये सोचें कि अब अगर हम किसी से भी कहीं पर मिलते हैं, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उसमें हम अपने आप को बचाएंगे कैसे। दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इन दिस कंसर्न कि अगर हम बात करें कि ये वायरस कैसे एक से दूसरे व्यक्ति में आता है, तो उसके मोड जो हमने पहले बताए वो होते हैं, और अगर हम बचने की बात करें तो उसमें ये रहता है कि अगर हम सेल्फ सेटिस्फाई अपने आप को करते हैं तो ये तो सबसे सेफेस्ट मोड है, जिसमें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती, और फिर स्पिरिट की तो बात ही नहीं कर सकते हम कि ये वायरस हमारे अंदर आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पर सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात होती है, जिसे हम मास्टरबेशन कह रहे हैं, तो मास्टरबेशन में जहाँ आप किसी के संपर्क में नहीं हैं, खुद अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सबसे सेफेस्ट मोड है अपने आप को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने का। तो इससे कभी भी एचआईवी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें किसी दूसरे के संपर्क में हम नहीं हैं। जब एचआईवी ट्रांसमिट की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा खतरा हमें तब होता है जब हम किसी दूसरे के साथ होते हैं और हमें ये नहीं पता कि उसके अंदर वायरस है या नहीं, क्योंकि वो अपने पहले के जो पास्ट उसका रहा है उसमें किसी और से वो मिला या नहीं मिला ये भी हमें नहीं पता। कोई कैसे अपने अतीत को आपके सामने बताएगा? तो मोस्टली ये होता है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति मल्टीपल पार्टनर से मिलता है तो वहाँ पर उसके अंदर वायरस आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये वायरस बहुत सारे लोगों में है हमारे आसपास, दूर बड़े शहरों में, तो उनमें जब हम कभी जाते हैं या वहाँ किसी से फिज़िकल कांटेक्ट बनाते हैं तो ये वायरस हमारे अंदर आ जाता है। अब हम किसी ये इस बीमारी को कैटेगराइज भी नहीं कर सकते किसी शहर से या किसी कस्बे से, ये बीमारी अब ऑलमोस्ट एवरीवेयर सब जगह है, लेकिन उसमें ज़रूरत ये है कि हमें बचना कैसे है और हम अपने आप को सेफ कैसे करेंगे। तो उसके लिए सेफ मोड हमारे पास जो अवेलेबल है फिज़िकल कॉन्टैक्ट के लिए वो यही है कि हम हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, तभी हम किसी से फिज़िकल कॉन्टैक्ट बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें फिज़िकल कॉन्टैक्ट में एचआईवी के ट्रांसमिशन से बचा सकता है। लोगों का ये भी क्वेश्चन इसमें ये रहता है कि वायरस हमारे अंदर आ कैसे जाता है? तो इसका जवाब ये है कि जब फिज़िकल कॉन्टैक्ट बनते हैं तो जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उससे ये बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। अगर दूसरे व्यक्ति को है तो, अगर दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी नहीं है तो ये बीमारी हमारे अंदर नहीं आएगी।
और अगर हमारे अंदर ही ये बीमारी है, हमारे अंदर HIV है और हम अगर किसी से फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो हमारे यूरिनरी ट्रैक से जो भी सीमन निकलता है या जो फ्लूड निकलता है उससे बीमारी दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरीके से ये HIV एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब ये सोचना कि अगर हम मास्टरबेट करते हैं तो क्या ये बीमारी हमें हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मास्टरबेशन या फिर कुछ ऐसा कुछ देखना मोबाइल में, इनसे किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है HIV का, क्योंकि ये तो सबसे सेफेस्ट मोड है। इस तरीके से कभी भी अपने आप HIV आपके शरीर में जनरेट नहीं हो सकता या वो अपने आप पैदा नहीं हो सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक आप किसी से कहीं पर मिलेंगे नहीं। उसमें भी कंडीशन ये है कि जब दूसरे व्यक्ति को HIV है तभी ये ट्रांसफ़र होगा, अगर उसको ये नहीं है तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अश्योर कैसे हो सकते हैं जब हमें ये नहीं पता है कि वो उसको HIV है या नहीं? और वो तो तभी पता चलेगा जब उसका हम कोई लैब में टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, तभी पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या नहीं। और हर किसी व्यक्ति से मिलने से पहले क्या आप उसका टेस्ट करवाएंगे? तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए कहीं पर भी किसी से भी जब हम मिलते हैं तो उसमें हमें अपनी सेफ्टी के बारे में सबसे पहले सोचना है, तब आगे कोई रिलेशनशिप बनानी है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये अगर हम सेल्फ सेटिस्फाई की तरफ जाते हैं तो दिस इज़ द वेरी सेफेस्ट मोड, और इससे किसी भी तरीके की आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या हम किसी बीमारी के बारे में अगर ज़्यादा सोचेंगे तो क्या वो हमें हो सकती है, तो ऐसा नहीं। ये थोड़ा साइको प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, समवेयर वी आर फीलिंग, और हम उसके साइन ऑफ सिम्टम्स को रिलेट कर रहे हैं अपने आप से कि हमने पढ़ा है ऐसा कि HIV में ऐसा होता है, उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, आज मुझे भी वैसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको को रिलेट करें। सबसे पहले अपने जो पास्ट है उसको देखें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपने नज़दीक के HIV टेस्ट सेंटर पर भी जा सकते हैं। नज़दीकी अगर हम HIV टेस्ट सेंटर के बारे में बात करें तो ये भारत में हर जगह है। आप भारत में कहीं भी रहते हो तो आप चाहे ब्लॉक स्तर पर हैं, तालुका स्तर पर हैं, या फिर आप जिला स्तर पर हैं, ये सेंटर्स हर जगह गवर्नमेंट सेटअप में हैं और जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी टेस्टिंग होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनका नाम ICTC है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, और ये हर जगह उपलब्ध हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये ब्लॉक स्तर पर भी हैं, तालुका स्तर पर और जिला स्तर पर भी हैं। इनका नाम है ICTC, यानी इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। यहाँ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ काउंसलिंग की पूरी सुविधा मिलेगी, यानी वो आपको इस बीमारी के बारे में डिटेल से बताएंगे, और अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी उनसे जाके पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि मुझे अपना HIV टेस्ट कराना है तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेस्ट, आप वहाँ पर आसानी से एक ब्लड सैंपल देकर ये टेस्ट आसानी से करा सकते हैं। नेक्स्ट डे आपको इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और आप इस रिपोर्ट को लेकर घर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप याद रखिए, अगर कहीं पर भी किसी को भी अपना HIV टेस्ट कराना है तो आप अपने नज़दीक के ICTC सेंटर में जा सकते हैं। इनका नाम हर जगह ICTC के नाम से है, आप सिर्फ 1 रुपये का वहाँ पर्चा बनवाएंगे और सीधा उस सेंटर पर चले जाएंगे। तो इसलिए अगर आपका इससे संबंधित और भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास आए हुए, हम उनका 1 by 1 आंसर यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देंगे, जिससे कि आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। जो मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि आपको कि ये वायरस कैसे जनरेट हुआ और ये कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हम इससे बचेंगे कैसे, क्योंकि ये बीमारी हमारे आसपास है, बहुत सारे लोगों में है, और उन लोगों से हमें बचना है, और जब भी हमें रिलेशनशिप बनाना है तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ में बनाना है। तो आई थिंक सो कि इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा आपके जो 2 सवाल थे कि ये कैसे किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और हमारे लिए सेफेस्ट मोड क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।